Hello dear students, we are studying determinants chapter number 4. This is lecture number 6. In this lecture we will find minors and cofactor of elements of a determinant, and we will cover exercise 4.4. Let us start today's lecture. What is minor? Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies. क्या कह रहा है कि determinants में एक element है Aij, आप उसका minor find करेंगे तो उस Aij का जो row है और जो column है वो delete हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो जो डिटरमिनेंट आपके पास बाकी बचेगा वो उस एलिमेंट का माइनर होगा, और उसे हम डिनोट करेंगे एम आई जे से। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक डिटरमिनेंट है 2x2, और हमने इन सभी एलिमेंट्स का जो इस डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट्स हैं उनके माइनर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है हमने इसका माइनर फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए आई जे, तो ए आई जे वो नंबर है, यहाँ पे वो नंबर हमारा 1 है, और ए आई जे का जो रो है वो है 1 और कॉलम क्या है 1। ठीक है, तो क्या कह रही है डेफिनेशन कि जिस एलिमेंट का आपने माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट का कॉलम डिलीट हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा जो बाकी डिटरमिनेंट बचेगी वो उस एलिमेंट का माइनर होगा। तो यहाँ पे 1 है, 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे M11, मतलब M का जो 1 का माइनर है वो आएगा M11, और वो कितना आ जाएगा जी 3। सिमिलरली आपने सेकेंड एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है -2, और उसमें हम क्या करेंगे कि जो -2 का कॉलम और -2 का रो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे देखें ये रो और ये कॉलम डिलीट है तो आपके पास क्या एलिमेंट बच गया 4, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M12, मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट आ गया 4, हमने 4 का माइनर फाइंड करना है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M21, और फिर 4 का जो है रो नहीं आएगा, ये 4 है इसका रो आपने कैंसिल करना है और इसका ये आपने कॉलम कैंसिल करना है, तो हमारे पास क्या बच गया फिर -2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 3, और 3 का रो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए 3 का रो ये आपका डिलीट हो जाएगा और इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया ओनली 1, और 3 को 3 का जो माइनर है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 से। तो दीज आर द माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो व्हाट आर कोफैक्टर्स? Cofactor of an element Aij denoted by Aij is defined by Aij is equal to -1 raised to power i + j multiplied by Mij, where Mij is the minor of Aij। क्या कह रहा है कि हमने किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो वो क्या होगा Aij is equal to -1 raised to power i + j multiplied Mij। तो अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का माइनर है तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमने सिर्फ किसे मल्टीप्लाई करना है -1 power i + j को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो उस एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। चलिए अभी हमने पिछली स्लाइड में एक डिटरमिनेंट्स के हमने माइनर्स फाइंड किए हैं कि यहाँ पे हमने ये हमने फाइंड किए हैं, अब यहाँ से हम इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो लीजिए उनको रिप्रेजेंट करना आपने A11, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 उसे रिप्रेजेंट करेंगे A11
को फैक्टर ऑफ वन, ए वन वन, तो क्या फॉर्मूला है, माइनस वन पावर आई प्लस जी, यहाँ पे आई है बेटा वन और जी कितना है वो भी वन, मल्टीप्लाई एम वन वन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट का जो माइनर है वो एम वन वन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे, माइनस वन की पावर कितना है कि टू, और एम वन वन कितना है थ्री, और यहाँ पे कितना आंसर आ गया जी प्लस थ्री। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास वन टू, उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट कितना माइनस टू, और उसका को फैक्टर कैसे लिखेंगे, वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन पावर वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एम वन टू, और यहाँ पे माइनस वन पावर कितनी थ्री, एम वन टू आपने यहाँ पे फाइंड किया और कितना जी फोर, और आपके पास क्या आंसर आ गया माइनस फोर। अब हम को फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं फोर का, फोर की पोजीशन क्या है टू वन, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन आई प्लस जे दैट इज टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एम टू वन, और दिस इज माइनस वन पावर थ्री, और एम टू वन की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की हुई है, माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ देखें जो प्लस टू आ जाएगा क्योंकि माइनस वन की पावर थी दैट इज माइनस माइनस टू प्लस वन, और लास्ट वन हमारे पास एलिमेंट है थ्री, तो थ्री का जो को फैक्टर है उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए टू टू से, यहाँ का माइनस वन पावर टू प्लस टू मल्टीप्लाई एम टू टू, तो यहाँ पे आएगा जी माइनस वन पावर फोर, और एम टू टू आपने फाइंड किया हुआ यहाँ पे वन, और मेरे पास आंसर कितना गया वन, तो दीज आर द को फैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर टू, और उसका सेकेंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले आप इस डिटर्मिनेंट को लिख लें 104351012। ओके चलिए फाइंड करते हैं हम माइनर्स, तो सभी एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने हमने, तो वन का पहले हम लेते हैं, तो वन का माइनर को हम डिनोट करेंगे एम वन वन से, और जिसका भी आपने माइनस फाइंड करना है वो रो और वो कॉलम डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपके पास ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 5112, और इस डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर लें, 5 × 2 दैट इज 10, 1 × 1 और माइनस कितना आ गया जी एक करके 9 आ गया। सिमिलरली अब हम सेकेंड एलिमेंट का माइनस फाइंड करें, सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0 और ये आ गया, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वन टू से, ठीक है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे देखिए 0 जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा और फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका गया तो यहाँ पे आ गया 3 0 1 2, ये आपने थोड़ा ध्यान देना है 3 × 2 दैट इज 6, 0 × 1 दैट इज 0 और आंसर आ गया 6। नेक्स्ट एम टू टू वन टू वन थ्री सॉरी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो क्या है जी 4, तो 4 का रो और 4 का कॉलम डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास ये है देखिए ये गया, यहाँ पे आएगा 3501, तो ऐसे सॉल्व करें 3 × 1 दैट इज 3, 0 × 5 0, तो -0 करेंगे 3 आ गए। ठीक है चलिए नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड रो के जो एलिमेंट है उनके माइनस, तो 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वो क्या एलिमेंट है जी 3, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अब हमें 3 का हमने माइनस फाइंड करना है, तो 3 का रो जो है वो गया और 3 का कॉलम भी गया। ठीक है तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम क्या 0 4 1 2, यहाँ पे आएगा 0 4 1 2, आप इसे सॉल्व करें 2 × 0 दैट इज 0, 1 × 4 यहाँ पे -4 आ जाएगा, और आगे देखिए 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, वो क्या एलिमेंट है 5, तो 5 का कॉलम 5 का रो गया तो मेरे पास आएगा 1 4 0 2, 1 4 0 2, और इसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं 1 × 2 दैट इज 2 -0 × 4 दैट इज 0 इज इक्वल टू 2, और लास्ट वन एलिमेंट है आपके पास 1, तो 1 का जो माइनर है वो आएगा 2 3। ओके 2 3 क्योंकि
टू थ्री देखिए यहाँ पे वन गया, वन का रो है, वन का रो और वन का कॉलम, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1001, 1001। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, 1 into 1 दैट इज 1, और 0 into 0 दैट इज 0, और आंसर कितना आ गया 1। चलिए नेक्स्ट, अब हम थर्ड जो रो के एलिमेंट है उनके माइनस फाइंड करते हैं। तो हमारा पहला क्या आएगा जी, 3 1, 3 1 मतलब यहाँ पे 0, 0 जो है वो थर्ड रो पे है और फर्स्ट कॉलम पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला रो गया बेटा, ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम गया, तो क्या बन गया मेरे पास, 0 4 5 1। और आप इसे सॉल्व करें, 0 into 1 दैट इज 0, 5 into 4 दैट इज -20, दिस इज -20। ओके नेक्स्ट, M 3 2, थर्ड रो का सेकंड जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 का कॉलम, 1 का रो गया, ये और ये गया, तो 1 3 4 1, 1 3 4 1, तो सॉल्व करें, 1 into 1 -12 दैट इज -11, एंड लास्ट 1 3 3, दिस इज द माइनर ऑफ एलिमेंट 2। तो 2 का रो, 2 का कॉलम, ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करके बताता हूँ, ये 2 है, ये वाला कॉलम और ये वाला रो ये डिलीट हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 1 0 3 5, आप इसे सॉल्व कर ले, 5 into 1 दैट इज 5, 3 into 0 0, -0 इज इक्वल टू 5, तो ये आपने माइनर फाइंड कर लिया। अब हम कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं, कोफैक्टर में सिंपली क्या होता है कि हम ए आई जे इज इक्वल टू -1 to power i+j मल्टीप्लाई बाई एम आई जे, तो यहाँ पे हम सिंपली अब साइन ऐड करते जाएंगे, तो लीजिए जी a11, तो क्या a11 को मैं लिख सकता हूँ -1 into 1 1, और यहाँ पे m11 की वैल्यू कितनी है जी, 9, और ये आंसर कितना आएगा, यहाँ पे प्लस आना था, 1 + 1 दिस इज 9। a12 -1 power कितना का, 1 + 2, और यहाँ पे m12 कितना है, m12 कितना है 6, और यहाँ पे कितना आंसर आ गया, -6। नेक्स्ट देखे, a13 दैट इज -1 power 1 + 3, और m13 की वैल्यू कितनी है जी, 3, और आंसर कितना आ गया जी, 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट a21 दैट इज -1 power 2 + 1, और m21 कितना है यहाँ पे, -4, तो यहाँ देखिए ये -1 की पावर 3 बन गई, यहाँ -4 है तो ये बन जाएगा +4। सिमिलरली a22 दैट इज -1 power 2 + 2, और m22 कितना है जी, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, पॉजिटिव है, 2 बन गया, और लास्ट वन है 2 3, और -1 power 2 + 3 into m23 कितना है जी, 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1, ठीक है, और लास्ट हमारे पास बच गया अब थर्ड रो के, तो ये आ गया जी a31, तो a31 दैट इज -1 power 3 + 1, और m31 कितना है यहाँ पे, -20, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा -20, क्योंकि -1 की पावर 4 है। नेक्स्ट a32 दैट इज -1 power 3 + 2, और m32 कितना है, -11, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये +11 बन जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 5 है, माइनस आएगा या प्लस हो गया, और लास्ट वन यहाँ पे हम लिख लेते हैं a33 दैट इज -1 power 3 + 3, और m33 कितना है जी, 5, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार आप किसी भी डिटरमिनेंट्स के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके माइनर और को फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आप अवेल्युएट कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स को, ठीक है जी। हमने पहले भी डिटरमिनेंट्स को अवेल्युएट करना सीखा है, लेकिन यहाँ पे एक और आपको मेथड मिल गया। क्या मेथड मिल गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, क्या बोल रहा है, किसी रो के जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट है, और किसके साथ प्रोडक्ट है, विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर,
और फिर उनका सम अगर आप फाइंड करते हैं, तो इस प्रकार आप किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर से देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर या कॉलम भी हो सकता है, कि किसी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ, और उनका फिर सम लेना है। तो इस प्रकार आप किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे देखिए, अगर आप ध्यान दें, ये एक ऑर्डर थ्री की डिटरमिनेंट है। एलिमेंट आपको देखें, A11, A12, A13, इसी प्रकार A21, 22, 23। क्या कह रहा है कि आप इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट यहां पे देखिए क्या है, A11। प्रोडक्ट किसके साथ फाइंड करना है? विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो A11 का जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा? A11 होगा, अभी हमने पीछे किया है। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है A12, उसका कोफैक्टर क्या होगा? A12 होगा। और थर्ड एलिमेंट इसका क्या है, अगर हमने फर्स्ट रो ली है तो 1 3 है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा? A13। तो एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम जो है वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू होती है। ठीक है जी, चलिए फिर एक और रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं। कहते हैं इफ एलिमेंट ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज जीरो। हमने यहां क्या किया कि जो एलिमेंट लिया उसी एलिमेंट का कोफैक्टर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर उनका सम किया। लेकिन यहां पे देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला देखो, कि हमने एलिमेंट लिया A11, लेकिन कोफैक्टर ले लिया A21, मतलब ये जो सेकंड है इसका कोफैक्टर ले लिया। फिर एलिमेंट हमने A12 लिया, लेकिन कोफैक्टर हमने ले लिया A22 का। और थर्ड में A13 एलिमेंट लिया, लेकिन कोफैक्टर हमने ले लिया A23 का। इस प्रकार अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगी क्या आएगी? जीरो आएगी। तो क्या कह रहा है, इफ द एलिमेंट ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विद द कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो नॉट सेम रो देन देयर सम इज जीरो। ठीक है, चलिए फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4। यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो एवेल्युएट, हमने इस डिटरमिनेंट्स को एवेल्युएट करना है वाई यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो हम सेकेंड रो के कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 1 से। ठीक है, -1 की पावर कितनी आ गई जी? 2 प्लस 1। और यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा कि जो 2 का रो और 2 का कॉलम डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे 3 8 2 3 बचेगा, 3 8 2 3। आप इसे सॉल्व कर लें, -1 की पावर 3 बन जाएगी, वहां माइनस आएगा, ये 3 × 3 कितना हो गया? 9 2 8 दैट इज 16। और यहाँ पे आएगा जी +7। ओके, यहाँ पे -7 आना था, बाहर माइनस का +7 हो गया। नेक्स्ट A22, ये है जो एलिमेंट आपका 2 है, उस एलिमेंट का ये कोफैक्टर है -1 पावर 2 प्लस 2। और इसका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? ये देखिए, ये वाला आपका रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया जी? 5 8 1 3। और ये बन गया, बाहर प्लस है, 5 × 3 कितना होगा जी? 15। 1 × 8 दैट इज -8, ये बन गया 7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 1, तो 1 का कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे A23 से, ये आएगा -1 पावर 2 प्लस 3। और डिटरमिनेंट क्या बचेगा? 1 का रो और 1 का कॉलम नहीं आएगा, तो 5 3 1 2, जी 5 3 1 2। और ये बन गया आपके पास, बाहर देखिए -1 की पावर 5 बन जाएगी, तो माइनस आ जाएगा, अंदर 5 × 2 दैट इज 10, और 1 × 3 3 दैट इज -3, और अगेन यहाँ पे -7 आ जाएगा, क्योंकि 7 10 में से 3 चल गया 7, बाहर माइनस है। ठीक है, तो हमने जो सेकंड रो है उनके को फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम इसे एवेल्युएट कैसे करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? प्रीवियस हमने जो स्लाइड की है उसमें जो फार्मूला किया है,
ये देखिए, ये फार्मूला हमने पीछे किया है, क्या फार्मूला किया कि जिस रो को आपने कंसिडर करना है उन्हीं के कोफैक्टर के साथ आपने उनका मल्टीप्लाई करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड आफ्टर दैट टेकिंग देयर सम दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्योंकि सेकेंड रो ले रहे हैं तो फिर हम एलिमेंट भी कौन से लेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट ही लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया जी, फिर यहाँ पे देखिए ए टू वन ए टू वन प्लस ए टू टू ए टू टू और ए टू थ्री ए टू थ्री। तो वैल्यू पुट करें, ए टू वन यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है जी टू और को फैक्टर है जी सेवन, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट जीरो को फैक्टर है सेवन और सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट है वन को फैक्टर है माइनस सेवन। और हमारे पास क्या आंसर आएगा, टू इंटू सेवन दैट इज फोर्टीन, ये जीरो बन जाएगा, ये माइनस सेवन बन जाएगा इज इक्वल टू सेवन। ठीक है जी, चलिए अब हमने जो एलिमेंट्स लिए उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यूएशन फाइंड करी, लेकिन हमने वहां पे सेवन एक सेकेंड रिजल्ट भी किया था जिसमें क्या था कि अगर आप एलिमेंट्स किसी रो के लिए लेकिन को फैक्टर किसी दूसरे के रो के लिए तो उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट का सम जो है वो कितना आता है, जीरो आता है। ये हमने रिजल्ट जो है प्रीवियस स्लाइड में किया, ये आपने रिजल्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई इन तीनों में से कोई एक ले लेता हूँ तो फिर हम चेक करते हैं। अब हमने क्या करना है, जो एलिमेंट लेने हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर नहीं लेने। तो मैं क्या करता हूँ कि हमने क्योंकि सेकंड रो के को फैक्टर लिए हैं तो हम को फैक्टर तो सेकंड रो के ले लेते हैं पर एलिमेंट किसी और के ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट ले लेता हूँ और को फैक्टर सेकंड के ले लेता हूँ, फिर देखते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट का सम है वो कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए ये है जी ए वन वन ए वन टू प्लस ए वन टू इंटू ए टू टू प्लस ए वन थ्री इंटू ए टू थ्री। तो चलिए इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। ए वन वन ए वन वन यहाँ पे क्या है दैट इज फाइव और ए वन टू आपने को फैक्टर निकाला है वो है सेवन प्लस ए वन टू यहाँ पे कितना है दैट इज थ्री और ए टू टू आपने फाइंड किया है सेवन प्लस ए वन थ्री यहाँ पे एट है और ए टू थ्री आपने माइनस सेवन फाइंड किया है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आ गया जी फाइव इंटू सेवन दैट इज थर्टी फाइव, ये आगा सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन एंड दिस इज फिफ्टी सिक्स और ये बन गया जी फाइव वन सिक्स थ्री टू फाइव फिफ्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए हमारा जो पहला रिजल्ट है वो आ गया कि आपने एलिमेंट लिए फर्स्ट रो के, को फैक्टर लिए आपने सेकेंड रो के, जब उनका हमने प्रोडक्ट फाइंड किया तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया जीरो। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जो सेकेंड रिजल्ट है या थर्ड रिजल्ट है ये भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज हमने माइनर और को फैक्टर सीखा और हमने एक फार्मूला किया जिसमें हम डायरेक्ट जो है किसी रो के एलिमेंट्स और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर उनका मल्टीप्लाई करके सम लें तो वो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।